दोस्तों, बालों के झड़ने की एक सबसे बड़ी वजह है अगर आपके स्केल्प में ब्लड फ्लो नहीं होगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आपके बाल थिन होंगे, पतले होंगे और धीरे धीरे आपके बाल झड़ने लगेंगे। या कई लोग को हेयर फॉल इसीलिए होता है, वो अपने बालों पर कई तरीके के केमिकल लगा लेते हैं जिससे उनको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे उनको हेयर लॉस होने के साथ साथ मेल पैटर्न बोल्डनेस की शुरुआत हो जाती है। तो स्केल्प से जुड़ी सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज जो मैं आपको ऑयल बताऊंगा वो सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा और आपके हेयर की डेंटिसिटी को बढ़ा देगा और आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ाने के साथ ही साथ बालों को स्ट्रोंगर भी बनाएगा। तो ये ऑयल किस तरीके से यूज़ करना है, क्या प्राइस होगी, क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स के पाए गए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो पर बने रहना एंड तक, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस हेयर ऑयल की ब्रांड की। तो ये मार्स बाय जेसी की तरफ से हेयर ग्रोथ ऑयल है जो आपके बालों के सभी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर लिया, जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया, अगर आपने हेयर रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करवा लिए, स्ट्रेटनिंग करवा लिए, जिससे आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गए, तो सबसे पहले आपको अपने बालों को क्लीन कर लेना है, यानी कि हेड से आउट करवा लेना है। उसके बाद ही इस हेयर ऑयल का यूज़ करना है। अगर आपको नॉर्मल हेयर फॉल है तब भी आप इस हेयर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस हेयर ऑयल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके अंदर ऑनियन ऑयल है, भृंगराज ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, ब्राह्मी ऑयल है और जोजोबा ऑयल है। ये सभी ऑयल मिल करके हमारी बालों की डेंटिसिटी को इंक्रीज करता है, स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है जिससे हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है। जैसे कि इसके अंदर ऑनियन ऑयल का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे होता है कि हमारे हेयर के फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है और धीरे धीरे हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ने लगती है। और इसके अंदर टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे डेंड्रफ को क्लीन करेगा। अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे तो उसकी वजह एक डेंड्रफ भी है, तो डेंड्रफ को रिमूव करने के लिए टी ट्री ऑयल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह हमारे डेंड्रफ को बिल्कुल निकाल देगा। अगर आपको स्केल्प में इचने से खुजली आती है तो वो प्रॉब्लम भी दूर कर देगा। तो ये काफी अच्छी चीज पाई गई है इस मार्स बाय जीएससी की तरफ से। ये हेयर ग्रोथ है, इसमें सभी ऑयल मिलाए गए। अब दोस्तों बात करेंगे इस हेयर ऑयल को किस तरीके से यूज करना है। आपको नाइट में सोने से पहले इस ऑयल को अपने स्केल्प पर लगाना है और हल्के हाथ से बिल्कुल मसाज करना है 5 से 10 मिनट तक। बस आपको डेली यूज करना है, आपको ध्यान रखना है बेस्ट रिजल्ट के लिए, तभी आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। आपको रोजाना इसका इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करें इस हेयर ऑयल को यूज करने पर हमारे स्केल्प पर कोई साइड इफेक्ट्स हो सकता है, तो बिल्कुल भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 100% प्योर ऑयल से बना हुआ है। अब दोस्तों बात करें इस हेयर ग्रोथ ऑयल की प्राइस की। तो 200 ml की बोतल आती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, व्हाइट कलर की होती है, जो आपको लगभग 475 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इस हेयर ग्रोथ ऑयल की मेन MRP की बात करूँ तो 700 रुपये के आसपास है। अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप चेक करें ना, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में इसको बाय कर लेना। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।